इरफान अंजुम चौधरी और मोहम्मद बसारत चौधरी की देखरेख में किसान मजदूर संघ उप प्रभाग थाना मंडी की बहरोते के पलंगर से ट्रैक्टर रैली का आयोजन हुआ। क्षेत्र के किसान विरोधी किसान कानून के रोल बैक का और पंजाब किसान जो नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें दिखाया गया और एकजुटता की मांग करी गई। साडा ही दूध पी के सानू ही मियाऊ कर की तू बिलिए नहीं देखी कि दे कठा ही ना लेना पै जे ते तू हिसाब दिलिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, मैं इरफान अंजम। अज साडी इत्थे छोटी जी रैली रखण दा मकसद सिर्फ ए है कि साडे पंजाब दे किसान भरा जिहड़े पूरे देश नू जिहड़ी पूरी दुनिया नू रोटी खवांदे सीगे अज ओही अपना खाली पेट करके रोड़ां ते उतर गए नहीं। इत्थों वड्डी शर्म वाली मोदी सरकार लई होर की गल है। मैं अज तुहाडे माध्यम से मोदी गौरमेंट नूं कहना चाहूँगा कि तुसीं ये सोचा कि जिदा कश्मीर के मस्कीन लोगों से तुसीं एक बारी पहला 370 हटा के सानू अंदर एक साल बंद करता, फिर 35 हटा के फिर बंद करता, फिर लैंड ला साढ़े ते ला दिता, फिर सानू नौजवानों साड़ियां नौकरियां छेलियां गईं। इदा ही ये सोच के मोदी साहब ने सोचा कि चलो किसानों के उत्ते भी एक भैं चो बोझ पा दूँ है तो, मगर मोदी साहब नूं यह औखा पै गया, मोदी साहब से गल पै गया। मोदी जी असी तो हले छोटी जी एक रैली इतने हले छोटी जी फिंगर कट के अपनी और शहीदों के भी शामिल होए हाँ। साडा तो जी सोच है असी तो और अगर तुम एक काला कानून वापस ना लिया असी तो माध्यम से इन्होंने कहना चाहते हाँ कि असी यही ट्रैक्टर इकट्ठा करके हले तो 20-30 ट्रैक्टर साढ़े को अगे 100 ट्रैक्टर असं इकट्ठा करके असी भी दिल्ली जंतर मंत्र के आने वाले हाँ। तो लिहाजा तुम जिदा एक ना एक कानून साढ़े से टोपे कर दे। मैं कहना चाहूँगा तुहाडे माध्यम से कि मोदी साहब एक कानून तुसी चंगा रहेगा वापस कर दो, नहीं तो असी नौजवान पहले सड़कों से आ गए सी, हुण किसान भी सड़कों पर आ गया, हुण असी किसानों के हक के बीच हाँ। असी साडी एक होंद है कि कतरा भी किसानों के हक के लिए असी कड़ांगे और असी अगली बारी अगर कानून वापस ना लिया तो असी भी दिल्ली जंतर मंत्र से पहुँचांगे। जैसा कि आपने पहले ही कहा कि हम सब डिवीजन थन्ना मंडी से आज पलांगड़ एरिया के अंदर हमने एक छोटी सारी रैली निकाली है, ट्रैक्टर रैली निकाली है, और किस लिए निकाली है क्योंकि हमारे किसान भाई मजदूर भाई जो हैं पंजाब वाले उन्होंने भी आज सेंटर के अंदर एक रैली निकाली है, उनका साथ देने के लिए हम तैयार हुए आज J&K की सब डिवीजन थन्ना मंडी राजौरी से। क्योंकि हमारे पिछले ही दिनों में जब यूटी बनाई गई तब से एक कानून पास किया गया कि हम बिल पास करेंगे कि रेत और बजरी दरिया के साथ जो निकाली जाती है उसका हम बिल पास करेंगे, टेंडर डालेंगे, लेकिन आज दिन तक वो टेंडर नहीं डले हैं। और हमारे उस दिन से लेकर आज दिन तक हमारे हजारों की तादाद में जो ट्रैक्टर हैं उनको सीज किया गया, और यहाँ के हमारे मजदूर भाई जो है इतने मजबूर हो गए कि किस्त कैसे भरी जाए, और इतने मजबूर हो गए पेट अपना कैसे पाला जाए, लेकिन किसी ने इसके ऊपर कोई नज़र नहीं डाली। मोदी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था ना कि इसके ऊपर और अलावा इसके ऊपर कानून थोपने चाहिए थे। इसलिए हमने एक छोटी सी रैली यहाँ से निकाली है अपने पंजाब वाले किसान भाइयों के साथ, पहले नौजवानों को तबाह किया, हमारी स्टेट को तबाह किया, आज आकर हमारे पेट पे वो छुरी लगा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी हम बर्दाश्त करने नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही रहेगा हम भी कल यहाँ से उठकर सेंट्रल गवर्नमेंट में आकर वहाँ प्रदर्शन करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस काले कानून को, ऐसे गंदे कानून को वापस लिया जाए। शुक्रिया। इंडियन प्राइम न्यूज़ से संवाददाता सुहेब रंगेज की रिपोर्ट।